सत श्री अकाल जी। सुरखापी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के गल करांगे सब तो पहला किसानी अंदोलन के बारे में। नवा साल चढ़ते नाल ही किसानों ने वड्डे ऐलान कर दिए ने। नौजवानों का सबर खत्म हो रहा है। 4 जनवरी नूं दोबारा तो मीटिंग है किसानों की मंत्रियों के नाल। जेकर इस मीटिंग दे विच किसानों के बंद विच कोई फैसला ना लिया गया, कोई नतीजा ना निकलिया तो अंदोलन ले जावांगे सिखरां दे उत्ते। ट्रैक्टर मार्च भी किया जाएगा, जन जागृति जिहड़ी ओह फैलाई जाएगी। दे नाल ही चेतावनी दे दित्ती है सेंटर दी सरकार नूं। उत्थे ही खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जताई है वड्डी उम्मीद। 4 जनवरी नूं फैसला किसानी दे हित विच आवेगा। किसानी अंदोलन का सब तो वध प्रभाव देश के कारोबारियों नूं पिया है। दिल्ली के विच चीजां दी सप्लाई भी हो रही है प्रभावित। भारत ते ब्रिटेन विचाले कोरोना वायरस के नवे स्ट्रेन नूं लैके जो हवाई यात्रा उत्ते पाबंदी लगाई गई सी उस नूं खत्म करके यात्रा मुड़ तो शुरू हो रही है 8 जनवरी नूं। किसानी अंदोलन के चलते हुए कुछ चंगा नहीं रहा। नवे साल का आगाज पहले दिन ही गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते एक किसान की ठंड के नाल हुई मौत। एक किसान दे वलो 51 लाख रुपए की मज वेच के किसानी अंदोलन विच दिल्ली विखे लगाए लंगर की हर पासे हो रही है चर्चा। इस सरस्वती नाम की मज दे नाल जुड़िया एक वड्डा खुलासा भी तुहानू जरूर दसांगे। हुण जानदे हां खबरां विस्तार दे नाल। किसानी अंदोलन का अज 38वां दिन शुरू हो चुका है कि किसान दिल्ली दियां सरहदां उत्ते लगातार डटे पए ने। अत दी कड़ाके दी ठंड दी परवाह कीते बिना उत्थे हर तरह की उन्होंने सुविधा जिहड़ी है उपलब्ध भी करवाई जा रही है। फिर भी ठंड भी बहुत है, पर तां वी उह जिहड़े किसान आ अपने परिवारां दे नाल, बच्चों दे नाल, बजुर्गों दे नाल उत्थे डटे पए ने। खेती कानूनों के खिलाफ जो किसानों का अंदोलन चल रहा है, जिहड़ा उन्हां दे अंदर रोह आ, ये अंदोलन एक बड़े ही अहम मोड़ उत्ते पुज चुका है। नवा साल भी किसानों ने दिल्ली दियां सरहदां उत्थे बैठ के ही मनाया। ये अंदोलन नवे साल के दौरान भी जारी रहा। तो दस दिए कि किसानों की सरकार के नाल कुछ दिन पहला ही गलबात हुई है। कुछ नुकत्यां दे उत्ते सरकार दे नाल सहमति जरूर बनी है, पर किसान हाले भी नवे कानून जिहड़े आ उह रद्द करवाउण दी मंग उत्ते डटे पए ने। किसानों का कहना है कि असल दे विच सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने MSP उत्ते सिद्धांत कमिटमेंट देने तो भी इनकार कर दिता है। सो ए तो बाद हुण अंदोलन नूं होर तेज़ किया जाएगा। किसानों ने दे नाल ही एक वड्डा ऐलान होर कर दिता है नवे साल के आगाज के मौके ही। जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च 30 दिसंबर नूं कीता जाना सी ओह फिलहाल मुलतवी कर दिता गया सी 4 जनवरी तक। हुण 4 जनवरी नूं किसानों की केंद्र सरकार दे नाल एक बार फिर तो मीटिंग होने जा रही है। तो यह मन्या जा रहा है कि उस दिन एक अहम मोड़ उत्ते किसानी अंदोलन पुज चुका है। तो उस दिन मीटिंग भी काफ़ी अहम होण वाली है, क्योंकि उहदे विच MSP दे उत्ते जां फिर 3 खेती कानूनों के उपर ही चर्चा की जाएगी। जां तां 3 खेती कानून रद्द किए जाण जां फिर MSP दी कानूनन गरंटी दिती जावे। सो जेकर उस दिन किसानों के हक विच कोई फैसला नहीं आउंदा, कोई नतीजा नहीं निकलता उस मीटिंग दे विच वी, तां फिर किसानों वालों 4 जनवरी तो बाद 6 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। उहदे तो बाद किसान राजस्थान के शाहजहानपुर बार्डर तो अगले हफ्ते अगे वधणगे। 6 जनवरी तो लैके 20 जनवरी दे विच पूरे देश दे विच किसान जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। 23 जनवरी नूं लीडर सुभाष चंद्र बोस की जयंती नूं किसानों वालों विशेष चेतना दिवस का आयोजन किया जाएगा। अंबानी ते अडानी के उत्पादों का बाइकाट पूर्ण तौर उत्ते जारी रहेगा। BJP लीडरां दे खिलाफ देश भर दे विच पार्टी छड्डो अभियान वड्डे पद्धर उत्ते चलाया जाएगा। पंजाब ते हरियाणा दे टोल अगे आउण वाले दिनां दे विच वी फ्री रहणगे। मुफ्त दे विच यात्रियों नूं वाहनों नूं उत्थों लंघाया जाएगा। ये नाल ही दस दईए कि भाजपा के लीडर का हुण भी घेराओ किया जा रहा है। तो एक जिहड़ी काली खबर आई है किसी के घर के अगे जिहड़े धरने दिते जा रहे हैं। तो एक किसान लीडर जिस दे घर दे विच उन्हां दा गेट खोल के गोहे की ट्राली जिहड़ी है वह उत्थे लद दिती गई घर दे विच। इस नूं भी एक रोस प्रदर्शन के वजो ही किसानों ने यह जिहड़ा कीता आ। उन्हां किसानों का कहना है कि सरकार किसानों नूं हजे भी हल्के दे विच लै रही है। किसानों नूं महीने तो उपर का वक्त हो चुका है कि वह ठंड दे विच दिल्ली दे धरनियां उत्ते बैठे ने, अपने सारे कामकाज छड्ड के अपने हक्कां दी लड़ाई नूं लड़ रहे ने। तो फिर भी जिहड़ी सरकार है वह किसानों नूं हल्के दे विच लै रही है।
उन्होंने नाल मीटिंगां दा दौर जिहड़ा है वह चलाई जा रही है। मीटिंगां ते मीटिंगां हुंदियां जा रही ने पर उन्हां दी सुनवाई नहीं की जा रही। सरकार उन्हां नूं उलझा रही है, उन्हां नूं एक कड़िकी दे विच फसाउणा चाहुंदी है कि असीं तुहाडे वास्ते ये कर दिंदे आ। कदे कहिंदी है कि आपां जिहड़े बिल आ उन्हां दे विच सोध कर दिंदे आ, कदे कहिंदी है कि आपां दो कानून रद्द कर दित्ते है ते इहदे तों बाद अंदोलन खत्म कर देवो ते आपां बैठ के फिर विचार चर्चा करदे हां। पर किसानों का कहना है कि जिहड़ा गुस्सा आ नौजवानों दे विच ओह अपना संजम खो रहे ने, सबर जिहड़ा आ ओह हुण टुट रहा है। सरकार इस धरने नूं शाहीन बाग बनाउण दी कोशिश कर रही है पर फिर भी किसान बहुत ही होश हवास के नाल जोश के नाल ते नाल नाल होश के नाल भी चल रहे ने। हर एक नीति नूं बड़ा घोख के किया जा रहा है। सरकार वड्डी कामयाबी का दावा कर रही है पर किसानों का कहना है कि हजे सिर्फ पूछ निकली है, हाथी पूरे का पूरा बाकी है। किसान लीडर बहुत ही गुस्से दे विच दिखाई दे रहे ने ते सरकार खेती कानूनां ते MSP दे उत्ते टस तों मस नहीं हो रही। किसान लीडरां ने कहा है कि वह हरियाणा दे मॉल ते पेट्रोल पंप भी बंद करवाउणगे। प्राइवेट पेट्रोल पंप तो बिना सारे जिहड़े पेट्रोल पंप आ उन्हां नूं बंद किया जाएगा। BJP ते JJP दे विधायकां ते संसदां दा पिंड पिंड दे विच विरोध लगातार किया जाता रहेगा। यह विरोध उदों तक होगा जदों तक हरियाणा दे विच इन्हां दोवां दी सांझी सरकार नहीं डिग जाती। किसान लीडरां ने चेतावनी दे दी है कि सरकार सुन लवे कि किसान पूछ लैके वापस अपने सूबियां दे विच नहीं जाणगे। उन्हां दा कहना है कि हाथी साडा है, जिहड़ा वो तीन खेती कानून ने, तीन खेती कानून हाथी ने जिहड़े दो पास किए ने जां जिन्हां दो ते सहमति जताई है सरकार ने, वह सिर्फ पूछ सी। सो हुण अपना पूरे का पूरा हाथी लैके ही किसान दिल्ली तो वापस जाणगे अपने सूबियां दे विच। तीन खेती कानून रद्द करवाउण तो बिना किसान दिल्ली तो वापस नहीं परतणगे। किसानी अंदोलन दे चलदे होए जिथे किसानां ने अंदोलन नूं होर तेज़ करन दी चेतावनी दे दित्ती है सरकार नूं कि किसान 4 जनवरी तो बाद चुप करके नहीं बैठणगे, अंदोलन नूं होर तेज़ किया जाएगा, सरकार मजबूर की जाएगी। उत्थे ही केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर तो उम्मीद जताई है कि 4 जनवरी नूं किसान जथेबंदियों के नाल होने वाली बैठक बेनतीजा नहीं रहेगी। उहदे विच जो नतीजा आएगा वह किसानों के हित के नाल होवेगा, हित विच होवेगा। सरकार नूं किसान जथेबंदियों के नाल 4 जनवरी नूं होने वाली अगले दौर की बैठक के सकारात्मक नतीजे निकलन की उम्मीद है। किसानों ने तो अपना फैसला सुना दिता है कि मीटिंग के जेकर कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आता तो फिर उन्होंने वालों अंदोलन होर तेज़ किया जाएगा। पर खेतीबाड़ी मंत्री का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के नाल 4 जनवरी की बैठक अंतम बैठक होगी या फिर नहीं होगी, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि यह साफ है कि मीटिंगां दा दौर हजे लंबा समा चल सकता है। सो ये देखना हजे बाकी होगा 4 जनवरी तो बाद किसान जथेबंदियों का की फैसला आता है या फिर 4 जनवरी की बैठक के सरकार के वलों की फैसला लिया जाता है। किसानी अंदोलन के चलते हुए एक होर जड़ी जरूरी खबर है किसानी अंदोलन तो हटके कोरोना वायरस के नवे स्ट्रेन देखते हुए भारत ते ब्रिटेन दे विच जिहड़ियां फ्लाइटां सी हवाई यात्री उड़ाना सी उन्हां नूं बंद कर दिता गया सी ते हुण एक खबर है कि भारत ते ब्रिटेन दे विचाले हवाई यात्रा मुड़ तों शुरू कीती जाएगी। इस तहत उड़ाना 8 जनवरी 2021 तों मुड़ तों शुरू हो रहियां ने। केंद्रीय हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 8 जनवरी तों 23 जनवरी तक दोवां देशां भारत ते UK दे ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਊਲਰ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਰਾਏ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अमृतसर के 70 साल सतपाल निश्चल के कतल की जिम्मेवारी पाकिस्तानी हमायत प्राप्त जथेबंदी TRF ने ली है। इस अतवादी संगठन ने फेसबुक उत्ते जारी एक बयान दे विच कहा है कि नवा डोमिसाइल कानून जड़ाया वो उन्हां दे वलों प्रवान नहीं किया जा सकता। ये मूल कश्मीरियां तो इलावा जम्मू अते कश्मीर दे विच जो भी होर लोग जायदाद खरीदणगे उन्हां दा कब्जा मन्या जाएगा। दस दिए कि TRF जो कि खुद को जम्मू कश्मीर दे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट अखवांदी है, इस घटना तो बाद पाबंदी शुदा जिन्हें भी संगठन आ जैश ए मुहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबल मुजाहिदीन ने भी इस घटना की तारीफ की है। निश्चल जो कि एक पहला यहोजा व्यक्ति है, पहला इंसान से जिसन भारत सरकार के वलों जारी किए नवे कानून के अधीन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलन तो बाद अतवादियों ने उत्थे अपना निशाना बनाया है। उक्त व्यक्ति श्रीनगर के निश्चल ज्यूलर्स का मालिक से। पुलिस के मुताबिक सतपाल की छाती में 3 गोलियां लगियां, अस्पताल उन्होंने लिया गया पर उत्थे उन्होंने मृतक ऐलान घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार के वलों पास किए गए 3 खेतीबाड़ी कानून जिन्हों लैके पिछले कई महीनों तो संघर्ष किसानों का लगातार जारी है। दिल्ली दियां सरहदां उत्ते बैठे किसानों अज 38वां दिन शुरू हो चुका है। 38वें दिन दे विच इह संघर्ष दाखिल हो चुका है। इस संघर्ष के विचाले एक जड़ी दर्दनाक ते अहम खबर है कि जदों दा यह संघर्ष शुरू होया है दिल्ली दे विच जदों दे किसान बैठे ने लगातार मौतां दा सिलसिला जारी है। कोई दिन एहो जिहा नहीं जांदा जिद्दन किसी किसान की मौत की खबर ना सुनी जाए। हुण नवां साल शुरू होया है ते इह नवें साल का आगाज जिहड़ा आ इह दिल्ली दियां सरहदां उत्ते किसानी अंदोलन दे चलदे कुछ चंगा नहीं रहा, क्योंकि नवें साल के पहले दिन ही एक होर किसान की मौत होने की खबर सामने आ चुकी है। धरने उत्ते बैठे गाजीपुर बार्डर दे उत्ते किसान गलतान सिंह की मौत तो बाद अन्नदातावां दे विच सोग की लहर फैल चुकी है, क्योंकि नवें साल के पहले दिन ही गाजीपुर बार्डर उत्ते किसान गलतान सिंह की जो कि 57 साल के सन उन्हां दी ठंड लगन करके मौत हो गई है। तो किसान नेतावां ने कहा है कि इस कुरबानी नूं व्यर्थ नहीं जाण दिता जाएगा। बार्डर उत्ते पुलिस ने सुरक्षा जिहड़ी है होर वधा दित्ती है। गलतान सिंह किसान यूपी के बागपत जिले के नांगल पवनपुर के रहण वाले सन। भारतीय किसान यूनियन के शमशेर राणा ने यह जानकारी दी है। तो जांच के पता लगा है कि गलतान सिंह की मौत हार्ट अटैक की वजह नाल हुई है। दस दईए कि किसानी अंदोलन किसानी संघर्ष जदों का शुरू होया है उदों तो लैके हुण तक 20 तो ज़्यादा किसान अपनियां जाना कुर्बान कर चुके ने ते हुण तक इस अंदोलन दे चलदे होए लड़दे होए अपने हकां दी लड़ाई शहीद हो चुके ने। देश की राजधानी दियां सरहदां उत्ते किसानी अंदोलन दे चलदे होए सब तो ज़्यादा प्रभाव देश दे कारोबारियां नूं ही चुकना पिया है। उन्हां नूं इसदा सब तो ज़्यादा नुकसान होया है। तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान दिल्ली ते इस दे नाल लगदे सूबयां नूं हुण तक हो चुका है। पंजाब ते हरियाणा तो दिल्ली जाण वालियां चीज़ां की सप्लाई भी लगातार प्रभावित हो रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि कैट अते ट्रांसपोर्ट सैक्टर की सब तो वड्डी संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन के सांझे यत्नां दे नाल जरूरी चीज़ां की सप्लाई बगैर रुकावट जारी है। संगठन के मुताबिक जरूरी वस्तुओं की सप्लाई दे विच कोई कमी नहीं आन दिती जा रही, हालांकि सप्लाई चेन नूं क्रमबद्ध रखने के वास्ते दूजे सूबों तो आने वाले वाहनों नूं नैशनल हाईवे नूं छड्ड के दिल्ली के होर रस्ते बदल के बदलवे रस्तियां उत्ते लम्मा चक्कर लगाना पैंदा है। पंजाब ते हरियाणा तो दिल्ली आने वाली चीज़ों की सप्लाई जो कि बुरी तरह प्रभावित हुई है। दोवां सूबों तो मशीनरी दियां चीज़ां स्पेयर पार्ट्स पाइप फिटिंग्स सैनेटरी फिटिंग्स होर वादू पुरजे इलैक्ट्रिक अते वाटर मोटर बिल्डिंग हार्डवेयर अते खेतीबाड़ी जिनसां की सप्लाई प्रभावित होने की खबर सामने आई है। दूसरे सूबों के हिमाचल जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र अते होर राज्यों तो दिल्ली आ रही प्रमुख चीज़ों के FMCG उत्पाद खपतकारां दे टिकाणिया अनाज शिंगार दा समान कपड़ा फल सब्जियां दे नाल नाल होर करियाने दा समान जिवें कि सुके फल इलैक्ट्रॉनिक दा समान दवाइयां सर्जिकल समान बिल्डिंग समगरी रेडीमेड कपड़े फोटोग्राफिक उपकरण भी शामिल ने। ते इन्हां चीज़ां दा वपार जो लोग करदे ने उन्हां नूं काफ़ी घाटा पिया है। एक रिपोर्ट दे मुताबिक देश दे वख-वख सूबयां तों हर रोज़ लगभग 50,000
ट्रक माल लैके दिल्ली आउंदे ने। इहदे नाल ही 30,000 ट्रक दूजे सूबयां दे विच सपुरदगी वास्ते दिल्ली तों बाहर रवाना हो जांदे ने। किसानी अंदोलन दा करके ना सिर्फ दिल्ली माल दी आमद बल्कि दिल्ली तों देश दे बाकी हिस्सियां दे उत्ते भी असर पिया है। हर दिन लगभग 5 लाख व्यापारी दूजे सूबयां तों माल खरीदण वास्ते दिल्ली आउंदे ने ते इह काम रुकिया होया है। देश नूं होए इस आर्थिक नुकसान नूं वेखदे होए देश दीआं बहुतीआं व्यापारक संस्थावां अते छोटे ते वड्डे कारोबारी जल्दी तों जल्दी सरकार अते किसानां दे विचकार समझौता जां विचार वटांदरे राहीं कोई हल लब्भण दी लगातार उम्मीद कर रहे ने। सरकारां किसानां दा कोई हल कढ़न, क्योंकि किसान भी इहो ही चाहुंदे ने कि जल्दी तों जल्दी उह अपना अंदोलन खत्म करके वापस अपने घरां नूं जाण ते किसे नूं भी किसे तरहां दी कोई परेशानी दा सामना ना करना पवे। केंद्र सरकार दे खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन दे विचाले दिल्ली दे बॉर्डर तो एक अनोखी ते बाकमाल गल देखण नूं सामने आई है। इस अंदोलन दे विच हरियाणा दे एक किसान दे वल्लों 51 लाख दी एक मझ वेच के उत्थे लाया लंगर चर्चा दा विशा बनिया होया है। चर्चा सी के सरस्वती नाम दी मझ जो के 51 लाख रुपए दी विकी है उसनू वेच के जिनी कमाई हुई है ते मझ दा मालक उसने दिल्ली दे धरने उत्ते लंगर लाया है। हुण समराला दे कस्बा माछीवाड़ा दे पशु पालक किसान पवित्र सिंह ने इसनू वेचण संबंधी एक खुलासा भी कीता है। उन्हां दा कहना है कि उसने मोहरा नसल दी सरस्वती मझ नू 51 लाख दे विच नहीं खरीदा बल्कि उसने 7 मझां दे नाल 2.5 लाख रुपए नकद हरियाणा दे व्यापारी सुखबीर टांडा नू दित्ते ने। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਮੱਝ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 33.131 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ 33.856 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪਾਰਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।